बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको गोल गले के ऊपर शोल्डर स्टेप बनाने का और लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी पिछली वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने उरेबी पट्टी के साथ आपको पिछला गला बनाना सिखाया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट्स होंगे मेरे कमेंट बॉक्स में तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने पसंद किया, आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, रिक्वेस्ट आई थी कि आप ही प्लीज़ हमें शोल्डर स्टेप भी बनाना सिखा दें। तो आप सबकी डिमांड के ऊपर मैं शोल्डर स्टेप बनाना और लगाना सिखाऊंगी, और मैं ये भी आपके साथ बताऊंगी कि वो कौन से गले होते हैं जिनके ऊपर शोल्डर स्टेप लगाना ज़रूरी होता है और कौन से ऐसे गले होते हैं जिनके ऊपर लगाना ज़रूरी नहीं होता। तो पहले जानते हैं, ये है बे गला, यानी कि हमारा जो बे गला होता है उसकी जो डीपनेस होती है, यानी कि जो गहराई होती है वो कम होती है, उसका जो फैलाव होता है वो ज़्यादा होता है। अमूमन हमारे जो गले का फैलाव होता है वो 7 इंच का होता है, इसका 8 से 9 इंच का फैलाव होता है। तो इस गले पे लाजमी शोल्डर स्टेप लगेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो हम गोल गला बड़ा बनाते हैं, हमारा गला आगे पीछे नहीं हो, ज़्यादा आगे नहीं हो, ज़्यादा पीछे नहीं हो, उस गले पर हम लाजमी शोल्डर स्टेप लगाएंगे अपने गले को फिक्स करने के लिए स्टेप के साथ, ठीक है? मैं पर्दे में बात करूँगी। और दूसरी बात ये है, शेरवानी कॉलर, फ्लैट कॉलर, चाइनीज़ कॉलर, इन गलों के ऊपर शोल्डर स्टेप नहीं लगते। तो आप सब ने ये जान लिया कि जो बंद गले होते हैं उनके ऊपर शोल्डर स्टेप नहीं लगता, जो खुले गले होते हैं उनके ऊपर शोल्डर स्टेप लगते हैं। तो इस गले पे हम शोल्डर स्टेप लगाएंगे और मुकम्मल मैं आपको सिखाऊंगी। जो मेरी बच्चियाँ, जो मेरी बहनें, जो बड़ी ख़वातीन सीखना चाहती हैं, आप सब ने गौर से देखना है, मैं आपको बहुत डिटेल के साथ सिखाऊंगी और बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक सुई, यानी कि निडल, और हमें चाहिए होगा एक कॉटन का थ्रेड जिससे हम अपने सूट स्टिच करते हैं, ये वाला धागा। इस धागे को हम इस तरह पकड़ेंगे, हमें इसके लिए थोड़ा सा थिक धागा चाहिए, तो हम अपना डबल धागा यूज़ करेंगे। अब इस धागे को इस तरह हम डबल करके अपनी सुई में से गुजारेंगे। और जब इस तरह धागे को हम खींचेंगे तो ये 4 तह का धागा बन जाएगा। अमूमन मैं आपसे कहती हूँ कि हमें बटन लगाने के लिए 4 तह का धागा चाहिए होता है, तो ये भी आप साथ साथ सीख लें कि 4 तह का जो धागा होता है वो कैसा होता है। हम 4 तह का धागा इसे कहते हैं। इसको कट करके इसमें एक नॉट लगाएंगे, यानी कि गिठान सी लगाएंगे, मजबूत सी। ये लीजिए, और अब हमें चाहिए होंगे ये वाले टिच बटन। आप कोई भी टिच बटन यूज़ कर सकते हैं, बस ज़्यादा बड़े नहीं हो, यही वाला साइज़ है, ये कॉमन रेगुलर साइज़ है। इन दोनों बटनों को मैंने खोल के अलग अलग कर लिया। अब कौन सा बटन हमारा इस चेन में यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम अपने गले को इस तरह पकड़ेंगे, ठीक है? ये वाली साइड जो मैंने आपको गुम सिलाई के साथ बनाना सिखाई है, ये अपने निडल को इसके अंदर से निकालेंगे, एक दफा, फिर दूसरी दफा हम इसको इसमें से निकालेंगे, और इतना हम धागा छोड़ देंगे, ठीक है? इतना हम धागा छोड़ देंगे। और इसके लिए अगर आपके पास एक और मौजूद है बंदा, यानी कि आप अगर शोल्डर स्टेप बना रहे हैं, तो आपको लाजमी ये चीज़ किसी के साथ पकड़वानी पड़ेगी, वरना ये चैन आप नहीं बना सकते। अगर आप अकेले ये काम कर रहे हैं तो आपने अपनी कमीज़ को इस तरह पकड़ना है, इस तरह रखना है। और अगर आप काम करते वक्त सिंगल हैं, यानी कि अकेले अपनी स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, तो आपको इस सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। आपने किसी भी कपड़े के ऊपर रख के इस सेफ्टी पिन से इस गले को काबू करना है, इस तरह, इस तरह इस धागे को लेकर इस तरह एक बल देना है। हमने एक चैन बनानी है, ठीक है? इस धागे को इस धागे में से पकड़ के इस तरह खींचेंगे तो ये हमारी चैन बनती जाएगी। और 4 तह का जो हमने धागा लिया था, इससे हमारी चैन मजबूत बनेगी। ठीक है, अब हम इस पिन को निकालेंगे और देखेंगे कि हमारी चैन कितनी बड़ी हो गई। तो हमारी चैन बिल्कुल इतनी बड़ी हो गई, ठीक है? ये लीजिए,
किचन हमारी इतनी बड़ी हो गई, जितना बड़ा हमारा गले का ये साइड मैंने छोड़ा था, बस इतनी ही बड़ी हमें चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। और सबसे मेन बात यह है कि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये आपकी चैन खुल जाएगी। अब इस चैन को हम लॉक किस तरह करेंगे, इस हॉल में से हम अपनी सुई को गुजारेंगे और इस तरह खींच देंगे तो ये हमारी चैन हो जाएगी लॉक। ठीक है, ये लीजिए लॉक हो गई। अब इन दोनों बटनों में से देखिए, दोनों बटनों में से हम ये वाला साइड उठाएंगे कि टॉप वाला साइड, और इसके होल में से इस सुई को गुजारेंगे, एक बार फिर गुजारेंगे और इस तरह करके एक नॉट गिठान सी लगा देंगे तो ये हमारा बटन भी फिक्स हो जाएगा। मैं आपको बहुत प्रोफेशनल बटन लगाना सिखा रही हूँ, जो बुटीक्स वगैरह में, जो रेडीमेड काम में जो काम होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद करते हैं, वही तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ भी नहीं आप लोगों के साथ छुपा रही हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अपना हुनर कोई नहीं देता, मगर मेरी सबसे ज़्यादा यही ख्वाहिश है कि मेरा हुनर घर बैठे मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बच्चियाँ ले सकती हैं, ले लें। और आप सब ने मुझे सिर्फ दुआओं में याद रखना है, पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग करते हैं मुझे अच्छा लगता है, आप सब से मुझे पॉजिटिव की उम्मीद है। देखें ये बटन हो गया हमारा फिक्स, ये हमारा बटन फिक्स हो गया। अब ये हमारा बटन नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर चैन के साथ लॉक कर दिया है। अब आता है ये वाला बटन, ठीक है। अब इस बटन को हम इसके ऊपर रखेंगे, और अपनी सुई को इस तरह गुजारेंगे नीचे से, तो इस हॉल में से हमने गुजारा है, एक बार फिर इसी हॉल में से दोबारा गुजारेंगे। हम इसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, मतलब चारों साइड जो इसके हॉल है ना, इन चारों में से धागा नहीं गुजारेंगे, क्योंकि इतना मुशक्कत वाला काम तो होता नहीं है, जस्ट एक स्टेप ही तो हमें कवर करना है। तो इसीलिए अगर हम चारों साइडों पर अपने ये धागे लगा निकालेंगे तो हमारा ये वाला जो बटन है ये बंद नहीं होगा। ये भी एक पॉइंट है, एक सीक्रेट तरीका है। अगर मैं चारों होलों में से पक्की पक्की गिठाने लगाऊंगी तो ये मोटा हो जाएगा बटन, और ये बटन हमारा फिक्स नहीं बैठेगा। बस इसीलिए दो बार एक हॉल में से गुजारा है, फिर अपनी सुई को नीचे से निकालेंगे, और फिर जो इसका सामने वाला हॉल है इसमें से गुजारेंगे अपनी सुई को। बस हमें दो साइड कवर करने हैं, चारों साइड हम कवर नहीं करेंगे। और हमारा चार ते का धागा डला हुआ है तो इसीलिए हम ज़्यादा टाके भी नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम दो टाके निकालेंगे। तो इससे चार और चार आठ दफ़ा समझिए हमने टाका लगा लिया बस इन दो साइडों पे। अब यहाँ पर इसे पक्का करके अपने धागे को कट कर देंगे, ये लीजिए। अब इस बटन को इसके साथ लगा देंगे, हमारा शोल्डर स्टेप बनकर हो गया है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबने देखा मैंने कितने आसान तरीके से आप लोगों को प्रोफेशनल बुटीक स्टाइल वाला काम सिखाया है। जो लोग सिलाई में जिनका पहला कदम है, जो सीख रहे हैं, जो मेरी वीडियो रेगुलर्स देख रहे हैं, कमेंट्स आप लोगों के आए थे कि आप ही हम बहुत पुरानी वीडियोज़ देख रहे हैं रमज़ान से, उससे भी पहले से, तो बेटा आप लोग सीख रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है जो मैंने शेयर की है, इसलिए क्योंकि आप सबके कमेंट्स और रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, उससे पहले आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, ठीक है। मेरा सेकंड चैनल है जिसके ऊपर मैं ड्रेसेस के रिव्यू करती हूँ, वो भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और सेम इसी तरह मैं दूसरे गले पर भी शोल्डर स्टेप लगा लूँगी। आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी सादा कपड़ा ले लें, अगर आप अकेले हैं तो आपने स्पिन अप करना है, अगर आपके साथ कोई पार्टनर मौजूद है तो आपने उसको इस तरह पकड़वाना है और अपनी चैन बनाते जाना है। आपने पहले चैन बनाने की प्रैक्टिस करनी है और मेरी वीडियो को बहुत तहम्मुल से देखना है तो आपको ये चैन बनाना आ जाएगी। चैन बनाना है, इस बटन को लॉक करना है, दूसरा बटन लगाना है, इसके ऊपर इसको फिक्स करना है, दैट्स इट। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।